सोच आज हम एक और वीडियो के साथ वापस तो आज हम दोबारा से खेलने वाले फेवरेट गाइस। इस वाली मैच में मेरा हो जाता है 10 किल्स एंड ये वाली गेम प्ले बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। लेकिन भाई लास्ट में मैं ठेल जाता हूँ, मतलब मैंने पूरा कोशिश करा था कि इस वाली गेम को मैं चुगने निकाल लूँ, लेकिन भाई वो बंदा पता नहीं कैसे मार देता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस वाली गेम प्ले में मुझे AK+D भी मिल जाती है एंड उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मैंने बंदों को मारा है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है, यहाँ पे इस बंदे को मैं मार लेता हूँ। एंड भाई यहाँ पे सेंट्रल रोड में मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायरिंग जोन आ रही है एंड यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा दिखता है। सो यहाँ पे एक दो बंदों को मारने के बाद यहाँ पे मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसको यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ, मतलब हेड में भी एक गोली लगा था तो पक्का भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही हेल्थ लो होगा, तो फटाफट से इसके ऊपर मैं रश मार देता हूँ। एंड भाई ये बंदा यहाँ पे स्टेयर्स में बैठ के हील करा था एंड इसके पास भाई कुछ ज़्यादा ही लूट है, मतलब 6S सब कुछ है, तो फटाफट से मैं सब कुछ लूट लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे ऊपर ही भाई रेड जोन है, तो फटाफट से मैं घर के अंदर चल लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत इंतजार करने के बाद यहाँ पे भाई कोई बंदा नहीं होता है, तो फटाफट से इस बगी को लेते हैं। एंड यहाँ पे सामने अपार्टमेंट पे एक गाड़ी खड़ी हुई होती है नीचे, तो फटाफट से उनके ऊपर मैं रश मार देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जैसे ही मैं आया ना, यहाँ पे दो बंदे मुझे लग रहा था ऊपर होंगे, तो मैं फटाफट से घर के अंदर जाता हूँ। लेकिन भाई इतने में ही यहाँ पे वो बंदे मेरे ऊपर ही मतलब नीचे कूद जाते हैं, तो भाई जैसे वो कूदते हैं मैं तो भाई शॉक हो गया, भाई ये क्या है, दो बंदे नीचे कूद गए। एंड उसके बाद मैं खिड़की से देखता हूँ ये एक बंदा भाई यहाँ पे बगी में बैठा होता है, तो फटाफट से उसको मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ एंड उतर जाता है। उसके बाद भाई उसको मैं मतलब अंदर से जिगल करके मार देता हूँ एंड उसके बाद मैं खिड़की से मतलब बाहर आता हूँ। एंड बाहर आते ही भाई मेरे मुँह के सामने एक बंदा होता है एंड उसके पास DP होता है, लेकिन भाई वो बंदे का मतलब एम चूक जाता है एंड उसको मैं जैसे करके उसको मैं मार देता हूँ। लेकिन भाई इन दोनों को मारने के बाद ये मतलब ये दो बंदे डायरेक्ट किल हो जाते हैं। लेकिन भाई इतने में ही यहाँ पे एक और बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है एंड उसको भी मैं पकड़ लेता हूँ। एंड यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया था। एंड यहाँ पे भी मेरे पास AK+D मिल जाती है एंड जो कि बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बो है भाई। तो अभी इन गन को लेके मैं फटाफट से जोन में चलता हूँ एंड भाई जोन कुछ ज़्यादा ही दूर है, तो फटाफट से गाड़ी को लेते हैं एंड जोन में निकलते हैं अभी। सो यहाँ पे मैं जोन में आ जाता हूँ एंड जोन में आते ही मुझे उस पहाड़ के ऊपर एक बगी दिखता है एंड उसके पास ही एक बंदा भी होता है। लेकिन भाई इतने में यहाँ पे एक बंदा आ जाता है एंड इसको पता भी नहीं चला भाई मैं कहाँ से मार रहा हूँ एंड ये ढूंढता रह गया, मतलब ये पूरा 360 रोटेट करा एंड जब तक कि मुझे ढूंढे इसको मैं मारे तो। एंड ये क्या है भाई, ये गोली कहाँ से पड़ी मुझे। ओके, वो जो बंदा उस पहाड़ के ऊपर बैठा था ना, उसने मुझे इतना खतरनाक डैमेज दिया, तो फटाफट से मैं घर के अंदर चल लेता हूँ। सो गाइस यहाँ से इसको मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ एंड भाई कसम से अगर दो गोली और लग जाता ना वो बंदा वहीं पे ख़त्म था।
लेकिन भाई वो बच जाता है एंड उस पहाड़ के उस तरफ नीचे चल लेता है। एंड यहाँ पे भाई वो बंदा हील कर रहा होगा, तो यहाँ से उसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो बस यहाँ पे काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन भाई वो बंदा मुझे दिखता ही नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत इंतजार करता हूँ, लेकिन भाई इतने में यहाँ पे मुझे एक सांप दिख जाता है। एंड भाई उसको मैं मार ही रहता, लेकिन इतने में ही ये बंदा मुझे मार देता है। मतलब भाई ये बंदा मैं समझ रहा था कि उस पहाड़ के ऊपर ही कहीं पे बैठा होगा, लेकिन भाई कब इसने बग्घी लेके यहाँ पे आ गया मुझे पता भी नहीं चला भाई। मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदा था ये, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा 10 किल्स हो चुका होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था भाई। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपने इस चैनल को अब से सब्सक्राइब नहीं करी है तो क्या करोगे फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड पास में जो बेल आइकॉन है ना उसको भी ऑन कर देना। तो ओके मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।